हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में स्क्रैच सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, किसी भी वेब ब्राउज़र को आप ओपन कीजिए। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ, आप गूगल क्रोम फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मेरा गूगल ओपन है, तो मैं सबसे पहले ये जो सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में टाइप करूंगा स्क्रैच, ठीक है। अब मुझे देखिए स्क्रैच का रिजल्ट मिल गया, स्क्रैच इमेजिन प्रोग्राम शेयर। उसके नीचे देखिए ये डाउनलोड लिंक आ रहे हैं, ठीक है। इस लिंक को क्लिक कीजिए। अब देखिए ये वेब पेज खुल गया। अब आप नीचे आइए, चूज योर ओएस। इसका मतलब ये होता है कि आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 है, तो मैं विंडोज सेलेक्ट करूंगा। यदि आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, उसमें मैक ओएस रहता है, तो आप मैक सेलेक्ट करेंगे। मेरा तो विंडोज 10 है, तो मैं इसलिए विंडोज सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहां पे देखिए डायरेक्ट डाउनलोड, सीधा यहां पे आप क्लिक कीजिए। अब देख सकते हैं आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। इधर देखिए, जितना हाई स्पीड इंटरनेट होगा उतना जल्दी डाउनलोड होगा आपका फाइल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, अब कुछ सेकंड्स रह गए हैं डाउनलोड होने में। डाउनलोड होने के बाद हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड पूरा हो गया है, ठीक है। अब मैं यहीं से शो इन अ फोल्डर इस ऑप्शन को क्लिक करता हूं। ये सेटअप है, अब हमें इस सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे ओपन करके यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉल के लिए आप इस सेटअप के ऊपर डबल क्लिक करें। ओके, अब हम इंस्टॉल करते हैं इसे। यहाँ एनीवन हु यूज दिस कंप्यूटर, इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इंस्टॉल बटन में क्लिक करें, यहाँ यस को क्लिक कीजिए। अब हमारा स्क्रैच का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, यहाँ इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीन पे ये एक आइकन बन गया, शॉर्टकट आइकन स्क्रैच 3, ठीक है। तो अब हम स्क्रैच को ओपन कर रहे हैं। अब यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ओके। ये स्क्रैच का इंटरफेस है, तो इस तरीके से आप स्क्रैच को डाउनलोड कर सकते हैं, उस डाउनलोड सेटअप को फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद फिर आप ओपन कर सकते हैं। थैंक यू।